आज सुबह मैं जैसे अपने डेली रूटीन पे संस्कार कॉलोनी में हमारे संस्कार कॉलोनी के अध्यक्ष श्री नारायण दास जी हरवानी का देहांत हो गया, तो उसी के तहत मैं वहाँ पे देखने गया था साफ सफाई की व्यवस्था को भी। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. तो उस समय मेरे पास मेरे फ्रेंड अंकित अग्रवाल हुआ, ऋषि मंगलानी हुआ, कईयों के मेरे पास फ़ोन आए, लगभग 8-10 जनों के एक साथ ही लगातार उस समय 8:30 के करीब फ़ोन आए कि भैया आपके फेसबुक पे आपकी, पहले तो उन्होंने मेरे से तबीयत पूछी, बोले कैसे हो, मैंने बोला मैं तो ठीक हूँ, बोले फेसबुक पे मैसेज आया है कि आपकी तबीयत सही नहीं है या ठीक नहीं हो और परेशानी में हो, तो आपको आपने पैसे की भी मांग करी है। मैंने बोला ऐसे कोई भी मैंने किसी से मांग नहीं करी और मैं तो स्वस्थ हूँ और अच्छी तरह घूम रहा हूँ और मेरे को किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप है ना उसको तुरंत उसको उनको मना कर डाल दो मैसेज कि कोई भी उनके झांसे में नहीं आवे। और आईडी क्या हैंग कर ली किसी ने? हैंग करी हुई है। और तो मैंने कम से कम 100 लोगों के फ़ोन आए हुए मेरे पास कि भाई आपके नाम से कोई पैसे मांग रहा है, तो मैंने बोला मेरी आईडी हैंग हो गई है, तो आप तुरंत प्रभाव से इसको उसमें मैसेज डाल दो कि जैसे सभी को लोगों को मालूम पड़ जावे कि ये फर्जी किसी ने हैंग कर रखा है और कोई भी इनके झांसे में नहीं आवे। और मैं तुरंत यहाँ पे रामगंज थाने पे यहाँ पे FIR दर्ज करवाने आया हूँ, तो जैसे लोगों को भी मालूम भी पड़ जाए और इसके ऊपर विरुद्ध जो भी जिसने भी ये कराया कार्रवाई। इसके अलावा कई इसने लेडीज़ों को भी मैसेज भेजा है, हाय कैसे हो ऐसे उस टाइप के भी मेरे पास लेडीज़ों के, हाँ मेरी आईडी पे, तो मैं इसलिए भी यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने FIR दर्ज कराने के लिए मैंने एप्लीकेशन दे दी है। ऑनलाइन पहले दर्ज होगी, उसके बाद उनकी तरफ से मेरे को मिलेगा लेटर। मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? मुकदमा दर्ज करवा दिया। पता चला किसने करी है? नहीं, मैंने तो जो नंबर है तो अभी यहाँ पे पहले सबसे पहले तुरंत यही मैंने काम करा कि पहले यहाँ पे FIR दर्ज करा दी जाए, उसके बाद ही आगे की देखेंगे किसका है। उसके बाद मैं साइबर क्राइम के जो अभय कमांड सेंटर है वहाँ पर भी अभी जाने का है, वहाँ पे भी जैसे इनके नहीं हो रहा तो वहाँ से भी मालूम पड़े कि कौन है ये आदमी और बदनाम करने की साजिश है या क्या है, और लोगों को कोई किसी कोई बेचारा आदमी इनके सीधा आदमी उनके चक्कर में नहीं फंस जावे। कोई पैसे से तो नहीं निकला आपका? कोई पैसे मेरे, मैंने अभी अपना अकाउंट भी चेक नहीं कराया, मैं भी अभी यहाँ से थाने की रिपोर्ट करवाने के बाद वहाँ सभी जगह जाऊँगा, मेरे अकाउंट में भी कहीं पैसे हैं तो कहीं ऐसे नहीं निकल जावे, तो वहीं जा रहा हूँ मैं भी। आपका नाम? मोहन लालवानी, पार्षद नगर निगम अजमेर। मोहन लाल जी पार्षद ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी है जिसमें लिखा है कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा मेरी फेसबुक आईडी को हैंग करके गलत मैसेज देकर रुपयों की डिमांड कर रहा है, जिस संबंध में जांच की जा रही है। और आपका नाम? भरत सिंह, हेड कांस्टेबल 1019।